नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहां पे आपको भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से कुछ आपके लिए वैकेंसी है, जो कि आपके टेक्नीसियन हो यानी कि ITI जिन्होंने कर रखा है, या सिर्फ 10th कर रखा है, या जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और इसमें ड्राइवर की भी कुछ वैकेंसी निकले हुए हैं। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो अच्छी खासी आपको सी लेवल की जो जॉब है उसके अंतर्गत अच्छी खासी आपको सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्राइटेरिया है कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने लोग के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है यानी कि कितने सीट है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेस्ट बुक का अभी ऑफर चल रहा है। ये सभी जितने भी एग्ज़ाम है उसके मॉक टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बुक पर ही लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के यहाँ पर 26,000 प्लस मॉक टेस्ट, 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट एग्ज़ाम जो मैंने बताया है कि कोई भी इंडिया के एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक साल का पास खरीदना चाहते हैं तो 280 पड़ेगा 30% के डिस्काउंट के साथ, और अगर लाइफ टाइम के लिए खरीदना चाहते हैं तो 490 पड़ेगा अगर आप कूपन कोड ERMANEESH यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको 12.5 लाख एक्टिव जो यूजर हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि कंपटीशन लेवल आपको यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे मॉक लगाते हैं तो आपको कंपटीशन का लेवल समझ में आएगा। ERMANEESH कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो वैकेंसी है उसकी। यहाँ पे देखिएगा जो आपका है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकली। तो जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देखिएगा 2021 जो निकला हुआ है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसके जो एप्लीकेशन है उस पर ले आता हूँ। देखिएगा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरिंग एंड रिसर्च के तरफ से ये जो निकला है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 24/10/2021 है। तो आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, इसी दरमियान आपको फिल करना है। पहला जो देख लेते हैं, आपके साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि बी ग्रेड की जो ये जॉब है, यहाँ पे फिजिक्स जो इस पोस्ट का नाम है, यहाँ पे स्केल आपको समझ में आ गया होगा 35,000, और आपके इन हैंड यहाँ पे देखिएगा DA वगैरह ये सब मिला के आप मान के चलो कि 47,000 के अराउंड आपको बन जाएगा इन हैंड। ठीक है, तो ये चीज़ें है। चलिए इसका हम देख लेते हैं एजुकेशनल, इसमें जो वैकेंसी है टोटल 4 है। एजुकेशनल और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो आपके होनी चाहिए BSc विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स, या आपके BSc फिजिक्स मैथ्स जियोलॉजी विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स, या आपके BSc ऑनर्स होने चाहिए फिजिक्स विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स। और ये जो आपका एज लिमिट वगैरह है वो चीज़ें दे रखी है। तो इसमें से कोई भी आपके पास अगर डिग्रियां हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अगला जो आपके वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की है, वो केमिस्ट्री वाले पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा इसका भी जो इसमें पोस्ट है वो इसमें 5 वैकेंसी है, और ये आपके BSc ही जो है वो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो BSc तो जनरली लोग करते ही हैं, और भी जो नीचे वाला पोस्ट है जो कि आपके 10th वाला है वो भी आपको देख लेते हैं। उसमें भी आपके आप बहुत सारे एलिजिबल होंगे, क्योंकि मैं समझ पाता हूँ कि यहाँ पे 10th वाले तो सभी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रेड जियोलॉजी के पोस्ट हैं, यहाँ पे 14 टोटल वैकेंसी हैं, और यहाँ पे BSc इन यहाँ पे जियोलॉजी विथ 60% खोजा गया है। और ये एज लिमिट तो आपको पता ही है, SC के लिए और ST के लिए, OBC के लिए 33 वर्ष, EWS के लिए 30 और UR के लिए 30 वर्ष दे रखा है। और फिर साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा खोजा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ 60% एग्रीगेट मार्क्स। हालांकि यहाँ पे आपको जो चीज़ें दे रखी है वो डिप्लोमा दे रखी है, हालांकि यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है कि जो आपका, आप एक बार फिर से इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा
क्या ये डिग्री वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, तो शायद ये आपके डिग्री वाले भी एलिजिबल होंगे, कहीं पे स्टार मार्क्स का और जो है वो चीज़ें दे रखी होगी। यहाँ पे देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके जो है BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस विथ 60% एग्रीगेट, या डिप्लोमा इन IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ 60% जो है वो आपके होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, कहने का मतलब ये है कि इसमें वैकेंसी कितने हैं, 9। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 60% एग्रीगेट मार्क, यहाँ पे डिप्लोमा ही खोजा गया है। और यहाँ पे आपके साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल, सिविल में डिप्लोमा इन सिविल विथ 60% मार्क्स। और जहाँ तक बात यहाँ पे देखिएगा ये स्टार मार्क का यहाँ पे दे रखा है कि 3 years आफ्टर SSC और 2 years आफ्टर HSC BSC, यानी कि जो ये स्टार मार्क्स है यहाँ पे स्टार मार्क्स है वो, इसका मतलब हो गया कि 3 years आफ्टर SSC, यानी कि जो आपका 12th है उसके बाद 3 year का, ठीक है, ये SSC सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसके बाद 3 साल का, या आपके 2 year आफ्टर HSC यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ये 12th लेवल प्लस या BSc का रखें उसके बाद 2 year का जो डिप्लोमा होता है वो, या आपके डायरेक्ट 10th के बाद 3 year का जो डिप्लोमा होता है वो। तो यानी कि यहाँ पे डिग्री का कोई दे नहीं रखा है, तो शायद डिग्री वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। आगे देख लेते हैं आपके जो और भी जो पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे उपयुक्त जो कि आपके लिए, मैं मतलब कि प्रॉपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि टेक्नीशियन यहाँ पे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में है, यहाँ पे आपके मिनिमम 60% मार्क्स इन SSC की बात कर रहा है, यानी कि आपको SSC में, तो अभी मैंने बताया कि SSC का मतलब 10th हो गया, तो 10th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए ये इस पोस्ट के लिए, ठीक है। प्लस आपके पास ये भी होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, NCVT का, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, या आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड ऑफ नॉट लेस देन 1 year, यानी कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल का हो अच्छी बात है, 2 साल का हो अच्छी बात है, यानी कि कोई भी हो लेकिन 1 साल से कम का नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस, जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर वर्किंग एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है तो फिर आपके जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंग होगा जो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद टेक्नीशियन बी का है, यानी कि टेक्नीशियन बी में यहाँ पे भी आपको जो सीनियर सॉरी सेकेंडरी जो लेवल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि 10th एग्ज़ाम में आपको 60% मार्क्स और उसके बाद आपके ITI होनी चाहिए, और यहाँ पे भी प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है। हालांकि एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता कि उतना किसी के पास एक्सपीरियंस वगैरह होता नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नीशियन बी प्लम्बर की, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ बाइंडिंग की है, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी नीचे जाए तो आप देख लेंगे कि कितना वैकेंसी है। टेक्नीशियन बी ड्रिलिंग की है, 20 वैकेंसी है यहाँ पे, 10th प्लस ITI खोज रखा है। यहाँ पे सबसे बढ़िया आपके वैकेंसी है ये 16 वैकेंसी आपके UDC की, यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की, यहाँ पे तकरीबन 35 से 36 हज़ार आपको सैलरी मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका यहाँ पे डिजायरेबल खोजा गया है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन ही नहीं है, तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हालांकि नॉलेज सिर्फ मांगा गया है, यहाँ पे कोई आपको डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना है, यानी कि आपको कोई सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 year पोस्ट रिजर्व फॉर, यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट रिजर्व फॉर PWD, इस जो इसमें है जो UDC में जो 2 पोस्ट है वो PWD के लिए रिजर्व किया गया है। उसके बाद है ड्राइवर की वैकेंसी है, यहाँ पे आपको ड्राइवर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि 10th पास होनी चाहिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सब चीज़ें आप देखेंगे, नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म जो ये सब चीज़ें हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, टायर बैटरी मेंटेनेंस ये सब चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, पोसेशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर, एबिलिटी टू रीड एंड फिल अप रूटीन फॉर्म इन
इंग्लिश एंड हिंदी, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये आपको सबसे बड़ी यहाँ पे एक चीज़ थी, यूडीसी की वैकेंसी, और एक सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल वन की पोस्ट है, तो यानी कि यहाँ पे भी आपको 25 से 26 हज़ार के स्टार्टिंग मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 10th स्टैंडर्ड वाले के, फोर एक सर्विस मैन, 10th स्टैंडर्ड एक सर्विस मैन का। यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि हाइट की बात करें तो 167 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है, और एज जो रिलैक्सेशन है वो आप देख लेंगे 24/10/2021 तक, इतना आपके जो दे रखा है यहाँ पे वो आपके होनी चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइट वगैरह इसी के लिए दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा इसके फीस की, तो फीस आप देख सकते हैं कि 200 इस पोस्ट के लिए। आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए अलग से आपको लगेगा, ठीक है। फी यहाँ पे अप्लीकेशन फी शुड बी पेड थ्रू ऑनलाइन प्लीज रेफर वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है यहीं पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा इस वेबसाइट को। और अगर हम इसके जो चीज़ें हैं, एज रिलैक्सेशन तो हो ही गया, अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें टेस्ट कैसा होगा। रिटन टेस्ट होगा, देखिएगा रिटन टेस्ट जो है, रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगा कौन से पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखिएगा साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, और यहाँ पे आपके दो पेपर होंगे, यहाँ पे इंटरव्यू है, एक पहला रिटेन है, दूसरा इंटरव्यू है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और 300 मार्क्स के होंगे, -1 होगा एक क्वेश्चन गलत होने पर, ड्यूरेशन 2 मिनट का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और बी टेक्नीशियन बी के लिए, यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए है, वो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिएगा प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो होगा, देखिएगा एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चन, चॉइस कितने होंगे, 4 होंगे एक क्वेश्चन के, 1 आवर ड्यूरेशन इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिएगा जो इसका 1 आवर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स 150 होंगे, निगेटिव -1 होंगे और आपके ड्यूरेशन 1 होंगे। एडवांस यानी कि इसी में दूसरा टेस्ट होगा, कैंडिडेट जो आपके इसमें पास होंगे उसको एक सीट के रिस्पेक्ट में 20 लोगों को बुलाया जाएगा एडवांस टेस्ट के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं CBT 2 के लिए। यहाँ पे CBT 2 पे ही आपके मेरिट बनेंगे। यहाँ पे देखिएगा मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 वनली, यानी कि जो स्टेज 2 के जो मतलब कि नंबर हैं उसी पे आपके बनेंगे, और 20 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे जो एडवांस टेस्ट है उसके पैटर्न क्या है, और यहाँ पे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ही होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, -1 और 2 आवर का होगा। तो उसी तरीके से आप डिविजनल क्लर्क में भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पहला होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसका जो मेरिट है वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव पे ही बनेगा, यानी कि पहला पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो पहला टेस्ट है वो आपके इस तरीके के रहेंगे, GK रहेंगे, सॉरी जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हाँ GK है, उसके बाद ये रीजनिंग है, उसके बाद मैथ्स है, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक है, एडवांस है नहीं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की, तो 100 300 नंबर के होंगे, क्वेश्चन नंबर कितने हैं 100, और मार्क्स की 300, निगेटिव वही 1 है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पे देखिएगा पैटर्न क्या है, डिस्क्रिप्टिव आपके रिटन टेस्ट होंगे। डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि आपके 50% होंगे, और इंग्लिश ग्रामर जिसमें कि, और उसके बाद पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंपेरिजिंग ESA नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग 50% हैज़ टू बी रिटन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में लिखना होगा। अगर दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे होता ना कि बीच में इंग्लिश भी डाल देते हैं, बीच में हिंदी भी डाल देते हैं, तब आपको 0 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 0 नंबर अवार्ड किए जाएंगे, यानी कि आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। मार्क्स 100 नंबर के होंगे, इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, और नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। तो इस तरीके के जितने भी ड्राइवर के जो हैं उसमें भी रिटन टेस्ट है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है इसमें भी, और इसमें रिटन टेस्ट के बिहाफ पे ही आपको इसमें जॉब मिलेगा, यानी कि जो आपका मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट के आधार पे ही मिलेगा। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो तो सभी लोग लगभग पास ही कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। यहाँ पे देखिएगा फिजिकल इवेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इसमें कोई, ये देख लेते हैं एक मिनट,
एक मिनट देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट भी होगा, यानी फिजिकल इवेंट, फिजिकल इवेंट मेल के लिए ये होगा, आप देख लेंगे, चेन अप्स, पुश अप्स, सीट अप्स, ये सब चीज़ें दे रखी है। फिजिकल इवेंट फीमेल के लिए क्या क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसमें देखिएगा रिटन टेस्ट 25 मार्क्स के, कम्प्रिहेंसन होगा, जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स के, और एनालिटिकल और बेसिक जो मैथमेटिक्स है ऑब्जेक्टिव टाइप वो होगा 25 नंबर का। उसके बाद यहाँ फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के मार्क्स पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि जो चीज़ें हैं वो आपको सिलेबस भी दे रखी है। अच्छा, एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा ये भी आप देख लीजिए, एग्ज़ाम आपके इन्हीं शहरों में होगा, तो आप देख लीजिएगा कि आपके नियर बाई कौन सा शहर है। पटना में यहाँ दे नहीं रखा है, तो आप रांची जा सकते हैं बिहार के स्टूडेंट, या लखनऊ या कोलकाता जा सकते हैं, बाकी आप दिल्ली वगैरह में तो हैं तो अच्छी बात है, साउथ में भी बहुत सारे जगह में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। ज़्यादा फीस भी नहीं लग रहा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो डेट है वो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि डेट इसका लास्ट क्या है, और ये जो नोटिस है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।